so we have to discuss the meanings and dimensions of political sociology. why we have to discuss the meaning of political sociology? because meanings can clear the actual subject matter. meanings can clear the nature of the subject. so it is quite important to understand the meanings and then the various dimensions of political sociology. बिकॉज पोलिटिकल सोशोलॉजी डील्स विद सोशल फोर्सेस सो वेन वी कॉल सोशल फोर्सेज देन एक्चुअली वट आर द मेजर सोशल फोर्सेज देखिए एक सोशल फोर्स है जो मैं हूँ एक सोशल फोर्स है जो आप हैं हम हम दोनों के मिलने से क्या है हम दोनों एक ग्रुप क्रिएट करते हैं ठीक है तो ग्रुप हो गया एक सोशल फोर्स पहले थे हम इंडिविजुअल्स, फिर हम ग्रुप में कन्वर्ट हुए और ये ग्रुप बन गया एक सोशल फोर्स फिर ऐसे ही सोसाइटी के अंदर बहुत सारे ग्रुप्स जो हैं वो इमर्ज करते हैं बहुत सारे ग्रुप्स बनते हैं अपने अपने लेवल के ऊपर अच्छा फिर हर ग्रुप का अपना एक इंटरेस्ट भी होता है कई दफ़ा ये ग्रुप्स जो हैं उनके बनने की कोई ख़ास वजह हो सकती है जैसे किसी का कोई ख़ास इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स में किसी का कोई खास इंटरेस्ट है अपनी किसी एथनिक आइडेंटिटी की वजह से ठीक है ऐसे ही कोई मज़हबी ग्रुप भी हो सकता है ऐसे ही कोई वकीलों का ग्रुप है कोई डॉक्टर्स का ग्रुप है कोई वर्कर्स का ग्रुप है ठीक है ना तो ये सब ग्रुप्स जो हैं ये सोशल फोर्स के तौर पर डिज़ाइन करते हैं किसी भी माशरे के अंदर फिर इसी तरीके से बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं किसी भी स्टेट के अंदर ये स्ट्रक्चर्स और सोशल फोर्सेस जब आपस में मिलते हैं तो फिर क्या चीज़ डिज़ाइन होती है इन दोनों के आपस के तालुक के लिए कुछ पैरामीटर्स बनते हैं कुछ स्टैंडर्ड्स बनते हैं जिनको हम रूल्स भी कहते हैं जिनको हम नॉर्म्स भी कहते हैं जिनको हम कल्चर भी कहते हैं लेकिन हमें ये समझना है कि जब पॉलिटिकल कल्चर्स और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं डिज़ाइन होते हैं तो किसी भी रियासत के अंदर हाउ रियासत ऑपरेट्स हाउ स्टेट डील्स विद दीज ग्रुप्स एंड हाउ स्टेट डील्स विद ऑल दी स्ट्रक्चर्स तो पॉलिटिकल सोशियोलॉजी जो है वो क्या करती है वो हमें बताती है कि हाउ दीज वेरियस डायमेंशंस ऑफ अ सोसाइटी all these dimensions of politics how they interact between each other how they interact the individuals how they interact with the groups so in the political sociology the emphasis is on the social basis of political process that is voting and movement Political competition among classes and political attitudes of masses towards the, their political system and that is political culture. So, it is very interesting, and these are the actual meanings of political sociology. So, I want to uh, give some emphasis and uh, I want to give some clarity that what are the social bases for political process. बिकॉज एक्चुअली वी हैव टू अंडरस्टैंड द पोलिटिकल प्रोसेस विद कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सोसाइटी तो हमारा रवैया कैसे बनता है पोलिटिकल प्रोसेस की बेस है हमारा रवैया हमारे रवैये का इज़हार कब होता है जब हम वोट कास्ट करते हैं ठीक है ना जो हमने माशरे ने हमें दिया जो हमारी सियासत ने रियासत ने दिया हम कब रिटर्न करते हैं जब हमें वोट कास्ट करने का मौका मिलता है या अगर वोट कास्ट नहीं किया या वोट कास्ट किया और हम मुतमिन नहीं हुए देन वी बिकम द पार्ट ऑफ मूवमेंट्स वो मूवमेंट समाइम फॉर प्रोटेस्ट होती हैं समटाइम्स किसी का किसी कॉज का साथ देने के लिए भी होती हैं और फिर माशरे में क्या चीज सबसे इम्पॉर्टेंट है कंपटीशन कंपटीशन बिटवीन क्लासेस क्लासेस किस बेस पर होती हैं समटाइम्स ऑन इकोनॉमिक बेसिस समटाइम्स पॉलिटिकल इंटरेस्ट की बेस पर भी बन जाती हैं यानी मैं सिर्फ इस वक्त इकोनॉमिक बेसिस पर क्लासेस की बात नहीं करी माशरे के अंदर जो डिवीजन होती है जो स्ट्रेटिफिकेशन होती है उस सब के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं और फिर उससे क्या चीज़ डिटर्मन होती है पोलिटिकल एटीट्यूड्स डिटर्मन होता है पोलिटिकल एटीट्यूड्स जो है वो कैसे रिफ्लेक्ट होता है पोलिटिकल सिस्टम के साथ वेन पीपल इंटरैक्ट दैट इज़ देअर पोलिटिकल एटीट्यूड और समटाइम्स जब ये कॉन्स्टेंटली चलता है मूव फॉर्वर्ड करता है तो ये बिल आकर डिवेलप हो जाता है पोलिटिकल कल्चर के अंदर पोलिटिकल कॉन्टेक्ट के अंदर ठीक है नाउ वी कैन से दैट पोलिटिकल सोशोलॉजी इज़ नॉट अ रिजड सब्जेक्ट पोलिटिकल सोशोलॉजी इज़ नॉट अ लिमिटेड सब्जेक्ट ये कोई बहुत मुख्तर सी कहानी नहीं है क्योंकि डेफिनेटली ये स्टैटिक भी नहीं है कैसे हो सकता है जब इसका ताल्लुक इंसानों के साथ है और जो सब्जेक्ट भी इंसानों के साथ डील करेगा वो स्टैटिक नहीं होता वो तो डायनेमिक होता है वो चलता रहता है उसका स्कोप बढ़ता रहता है क्योंकि जैसे जैसे माशरे में डिवेलपमेंट्स होती हैं जैसे जैसे ह्यूमन नेचर के अंदर नई नई चैल नई नई चेंजेज़ आती हैं उसी तरीके से इसका सब्जेक्ट मैटर जो है वो बढ़ता चला जाता है और फिर उसके साथ इसके अंदर बहुत सारी और चीज़ें मिक्स होती चली जाती हैं ऐड होती चली जाती हैं बहुत सारी चीज़ें जो हैं और ऐसे ही हमने ये देखना है कि बहुत सारे जो राइटर्स हैं स्पेसिफिकली जो पोलिटिकल सोशोलॉजी पर लिखते हैं दे ऑलवेज़ डिस्कस दैट द पोलिटिकल सोशोलॉजी इज़ अ वेरी वास्ट and very critical subject it is very dynamic and it has lot of things lot of lot of important points to share regarding the subject matter and regarding the dimensions of political sociology